नॉन मैटर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो डिफरेंसेस हमने देखे थे बिटवीन द मैटर्स एंड नॉन मैटर्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, कल हमने चार पॉइंट देखे थे, आगे हम ये रिमेनिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो जो मेटल्स होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं. सॉलिड इट मीन्स वहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पास पास हैं. यदि आप किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को अलग करना चाहें तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए क्या बोलते हैं हम, मेटल्स आर हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. तो सॉलिड के केस में तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लेकिन लिक्विड और गैस में यदि आप मॉलिक्यूल्स को अलग करना चाहें तो इजिली अलग हो जाता है. जैसे एक कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर को क्या आप दो पार्ट्स में इजिली डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, उसको कट करना पड़ेगा. लेकिन यदि आपका लिक्विड लाइक आपका मिल्क है या आपका मान लीजिए लिक्विड एक कोई भी आप ले लीजिए जैसे ब्रोमाइन है. ब्रोमाइन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज अ नॉन मेटल. ब्रोमाइन क्या है? नॉन मेटल है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ब्रोमाइन को आप इजिली दो फ्लास्क या बीकर में कर सकते हो. इसका मतलब वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, आप इजिली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. लेकिन जहां पर मॉलिक्यूल्स को अलग ना कर पाए या जहां पर किसी भी एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना इजी ना हो वहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा होगी. नेक्स्ट है हार्डनेस. तो मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड स्टेट में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, कड़े होते हैं. एक्सेप्शनल केस है इसमें अल्काली मेटल्स. अल्काली मेटल्स मीन सोडियम है, पोटेशियम है. ठीक है, ये सारे आपके अल्काली मेटल्स होते हैं. इन कंपैरिजन टू द मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, उनको इजिली कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ. फिर हम आते हैं कंडक्टिविटी पर. तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन है आपका लेड, पीवी एंड मरकरी, एचजी. लेड और जो मरकरी है ये एक्सेप्शनल केस है. मेटल होने के बावजूद भी बींग अ पार्ट ऑफ मेटल दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. When we come to the non-metal, then non-metal are bad conductor of heat and electricity. It means they will not allow the heat or electricity to pass through them. वो electricity को अपने में से जाने नहीं देंगे. लेकिन जो metals होते हैं वो electricity को अपने में से flow होने देते हैं. केवल यहाँ पे दो exceptional case हैं like lead और mercury. ठीक है, Pb means lead और mercury. ये metal होने के बावजूद भी they are not good conductor of heat and electricity. ऐसे ही नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन केस है आपका. दिस एक्सेप्शन केस इज ग्रेफाइट. क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Then come to the next, that is the sonority. Metals are sonorous in nature. मतलब मेटल को यदि हम बीट करेंगे तो उससे आवाज आती है. साउंड प्रोड्यूस. सोनोरस का क्या मतलब होता है? साउंड प्रोडक्शन या एन एलिमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड. तो जब मेटल को बीट करते हैं तो उससे आवाज आती है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर. But the non-metals are non-sonorous in nature. When we are beating them, so they will not produce any kind of sound. Then come to the next topic, that is the boiling point. So metals are generally having the high boiling point. बहुत अधिक temperature पर वो boil होना या गर्म होना start करते हैं. लेकिन जो non-metals होते हैं वो बहुत कम temperature पर
बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट वेयर एज नॉन मेटल्स आर हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ भी नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज द आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉन मेटल इट इज हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेटल्स में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, लाइक सीजियम एंड गैलियम। सीजियम एंड गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टीज ली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 10 प्रॉपर्टीज वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। इन 10 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस को स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज।